इंदौर रेलवे विभाग द्वारा महू डेमो ट्रेन के समय में बदलाव किया है। पहले ये डेमो ट्रेन इंदौर स्टेशन से 12:25 से रवाना होती थी, लेकिन लंबे समय से यात्रियों की डिमांड को देखते हुए इंदौर रेलवे विभाग ने इसके समय में परिवर्तन किया है, जो अब नए समय 11:45 पर रवाना होकर 12:45 को महू पहुंचेगी। रेलवे PRO खेमराज मीणा ने बताया कि लंबे समय से इंदौर महू रोजाना सफर करने वाले यात्रियों ने डेमो ट्रेन में समय के बदलाव करने की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए इंदौर रेलवे विभाग ने समय में परिवर्तन किया है। हालांकि पहले इस डेमो ट्रेन का समय 12:25 था, जो कि इंदौर महू जाने का 50 मिनट का अंतराल है। रेलवे PRO ने कहा बाकी रूट वैसे ही रहेगा। इस नए समय से यात्रियों को कहीं ना कहीं समय में बचत होगी। हालांकि समय के अलावा डेमो ट्रेन की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल समय में बदलाव किया गया है। समय में परिवर्तन हुआ है, कौन सी ट्रेन है और क्या समय में परिवर्तन हुआ, कितना समय के लिए हुआ? देखिए, अभी क्या है कि हाल में ही एक जो ट्रेन है यहाँ से महू इंदौर के लिए जाती है, मतलब इंदौर से महू के लिए जाती है, वो डेमो जो ट्रेन है उसका टाइम चेंज हुआ है। उसमें क्या है कि 11:45 को यहाँ से जाएगी और वहाँ पे तकरीबन 12:35 को वो पहुँच जाएगी। पहले जो टाइम था वो यहाँ से 12:25 का था और 1:15 पहुँचने का था, तो वो पूरा जो अंतराल है वो 50 मिनट का है, बट ये यहाँ से पहले जाएगी और पहले पहुँच जाएगी। बाकी का जो रूट है वो चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ पैसेंजर की जो डिमांड और ऑपरेशन की वजह से ये टाइम को बहाल किया गया है। विशेष क्या वजह रही है सर? विशेष तो ये है कि मैं यहाँ से क्या है कि जो टाइम जो था 12:25 का वो लेट था, तो इसकी वजह से उसको 11:45 किया गया है, तो एक काफ़ी टाइम जो मेंटेन हो जाता है, तो और वहाँ पे मऊ में जल्दी पहुँचने के लिए पैसेंजरों की डिमांड और ऑपरेशन की वजह से किया गया। सर, पहले की टाइमिंग और अभी की टाइमिंग के अंदर कितना अंतर है? देखिए, वैसे तो अगर रनिंग की बात की जाए तो टाइम सेम ही 50 मिनट लगते हैं, बट वो मैंने बताया कि ये अगर जल्दी जाएगी तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। बाकी का जो स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ उसका जो टाइम जो चेंज किया है तो वो पहले पहुंचने का टाइम है। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।